हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट येट वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक और इशू फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई और सेबी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई 2022 और इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सेबी 2022 जो कि अगले एक दो महीने में आ जाएंगे एग्जामिनेशंस और कंडक्ट भी हो जाएंगे, then should you be reading the newspaper? The first question is yes or no. If yes, then what to do and how to read it? If no, then why no and what do you do in order to cover the gap which will be created by not reading the newspaper? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत briefly yet बहुत अच्छे से आज decode करूँगा। तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड वॉच द एंटायर लेसन, बिकॉज पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो तीनों पॉइंट्स स्किप हो जाएंगे, ठीक है ना। तीन छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है मैंने इस अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए, वेदर यू शुड बी रीडिंग द न्यूज़पेपर और नॉट। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज एम आई डन विद माई सिलेबस एंड करेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क योरसेल्फ, Am I done with my syllabus and current? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा। अब इसमें करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा? We will have spotlight because चाहिए ही चाहिए। We will have PIB monthly and daily and we will have finance current affairs which is also daily and monthly. These three things are mandatory for covering current affairs, for saying कि मैं current affairs करता हूँ। अगर आप खाली कोई एक capsule उठा लेते हो online, whatever is available, you cannot say that you are done with current affairs. Current affairs मतलब ये तीनों चीज़ आपको cover करनी है, because finance current covers RBI website, covers Live Mint, covers financial newspapers, PIB covers entire current affairs for ESI, and Spotlight covers it for फेज वन। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, इफ येस, इफ यू आर डन विथ बोथ सिलेबस एंड करेंट एंड नॉट ओनली द सिलेबस, देन द आंसर इज येस, यू कैन एंड यू शुड बी कवरिंग द न्यूज पेपर डेली, आधा पौना घंटा, एक घंटा भी लगा सकते हो तो भी चलेगा। ओके, हाउ एवर ऑन द अदर हैंड, इफ द आंसर इज नो, इफ यू से नो आई एम नॉट डन विद द सिलेबस एंड करेंट, और लेट्स से आई एम डन विद सिलेबस बट करंट बचा है अभी, ये तीनों मैंने कवर नहीं किए हैं, दिस इज फॉर 6 months, लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज फॉर 1 year एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 1 year, ठीक है ना। अगर आपने ये कवर नहीं किया है देन द आंसर इज, इफ यू आर नॉट डन देन अगेन द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू और यू कैन स्किप द न्यूज पेपर, यू डोंट हैव टू नेसेसरीली रीड द न्यूज पेपर। न्यूज पेपर पढ़ोगे नहीं भी पढ़ोगे फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इन न्यूज़पेपर द इनपुट इज अ लॉट मोर देन व्हाट द आउटपुट इज। ओके, एग्जामिनेशन 2 महीने 3 महीने में सारे हो जाने हैं। अब आपने सिलेबस किया नहीं है, आपने करंट अफेयर्स ये किया नहीं है मंथली, और आप न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हो 2-2, 3-3 घंटे, व्हाट विल हैपन? यू आर गिविंग योरसेल्फ अ लॉट ऑफ इनपुट, आप खा रहे हो बहुत सारा, बट आप हेल्दी नहीं खा रहे हो तो वेट लॉस नहीं होगा। मतलब आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, वेट लॉस नहीं होगा। मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो बट रिजल्ट नहीं दिखेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। इनके जो भी आंसर होंगे, और येस नो में ही आंसर आएगा, जो भी आंसर होंगे उसके बेसिस पे, इफ यू आर डन विद सिलेबस एंड करेंट यू कैन रीड द न्यूज पेपर, इफ यू आर नॉट डन विद द सिलेबस एंड करेंट येट देन यू कैन स्किप द न्यूज पेपर फॉर नाउ, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? Alternative to newspaper for opinion building. बहुत सारे चैनल्स आपने देखे होंगे जो बता रहे हैं कि भाई न्यूज़पेपर ज़रूरी है, ओपिनियन बिल्डिंग होती है, विदाउट क्रिएटिंग एन ओपिनियन हाउ विल यू राइट एन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आंसर, हाउ विल यू राइट एन ESI आंसर, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो लेट मी आंसर दैट, हाउ टू ऑल्टरनेटिव टू न्यूज़पेपर फॉर ओपिनियन बिल्डिंग। ठीक है,
तो हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं अगर हम, तो हम ओपिनियन अपना कैसे बिल्ड करेंगे, हाउ कैन आई डू इट, दैट विल बी योर सेकेंड क्वेश्चन। आंसर मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। नंबर वन, पिक अप वन एसे टॉपिक एवरी डे। हर दिन आपने एक ऐसे टॉपिक उठा लिया विच इज फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया। लेट्स से फर्स्ट डे एजुकेशन, सेकंड डे हेल्थ, थर्ड डे पॉवर्टी, फोर्थ डे रूरल डेवलपमेंट, फिफ्थ डे एग्रीकल्चर, सिक्स्थ डे इंडस्ट्री, सेवंथ डे सर्विसेज, एट्थ डे क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, नाइन्थ डे ह्यूमन डेवलपमेंट, देर आर सो मेनी टॉपिक्स दैट यू कैन बिल्ड अप। सेवंथ डे, इलेवंथ, टेंथ डे इन्फ्लेशन, इलेवंथ डे मॉनिटरी पॉलिसी, ट्वेल्थ डे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग डायमेंशन में मिलेंगे, ठीक है ना। यू पिक अप वन ऐसे टॉपिक एवरी डे, हर दिन आपने एक ऐसे टॉपिक उठाना है एंड कवर इट, कवर इट का मतलब रिसर्च ऑन इट विद फैक्ट्स। मैं आपको बताता हूँ एवरी मंडे एंड वेंसडे, आई टेल यू हाउ टू राइट यू नो द बेस्ट पॉसिबल इंग्लिश ऐसे। उसमें फैक्ट्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं और ओपिनियंस बाय क्रेडिबल पर्सनालिटीज। आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, योर ओपिनियन डज नॉट मैटर। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अ क्रेडिबल पर्सनालिटी येट। आप बोलोगे मुझे ऐसा लगता है द एग्जामिनर विल बी लाइक हु आर यू, बट ओपिनियंस बाय क्रेडिबल पर्सनालिटीज, बाय इंस्टीट्यूशंस, बाय कमिटीज, दैट इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज दे कैन नॉट डिनाई इट, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो That is what you need to do. आप जितना ज़्यादा यहाँ पे prepare होके चलोगे उतना advantage होगा। Newspaper में problem क्या होती है? Newspaper में first day one credible personality saying something, second day another credible personality comes in and says opposite to what was said the day before. तो आप confused हो जाओगे, you'll get confused कि यार वो कल तो कुछ और बोला था, आज उसका opposite बोल रहा है। You don't want to get into that confusion. Already there is so much stress, already there is so much to do. You don't want to be figuring out which one is right and which one is wrong. Okay, so you figure out opinions by credible institutions, credible bodies, schemes, committees, ऐसे लोग जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों उनकी आपको सुननी है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है। यू कैन वेरी वेल जस्ट रिसर्च ऑन वन टॉपिक एवरी डे। इफ़ यू हैव 3 months, विच मीन्स 90 days, यू कैन ईजिली प्रिपेयर 90 ऐसे टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। और इसके साथ साथ आपका फैक्ट्स भी कवर हो रहे हैं, स्कीम्स भी कवर हो रही हैं, इसके साथ साथ आपका पूरा एसे भी निकल के आ रहा है। तो उस टॉपिक में से एसे आता है, इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू राइट दैट एसे एज वेल। दिस विल इनडायरेक्टली हेल्प यू इन ईएसआई एंड फाइनेंस एज वेल। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ईएसआई फाइनेंस में भी हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। अब इसमें आप कितना टाइम स्पेंड करोगे? लेट्स से यू एंड अप स्पेंडिंग 3 hours एवरी डे ऑन दिस। 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने से बेटर है ना, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ 1 घंटे में, नथिंग, या 3 hours में यू डन विद द एंटायर टॉपिक, तो इट्स मच बेटर। 2 दिन में एक बार भी डालोगे, 3 दिन में एक बार भी करोगे ना, दैट विल ऑल्सो डू द जॉब। सो यू आर एक्चुअली रिप्लेसिंग दैट टाइम विद समथिंग मोर प्रोडक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वॉट इज द थर्ड क्वेश्चन? If you want to read the newspaper at all, if you want to read the newspaper at all, if the question is yes, जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ मेरा syllabus हो गया है, मेरा current affairs पूरा हो गया है, I want to read the newspaper, then what to read and what not to read, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसको decode कर लेते हैं बहुत short terms में। बहुत सिंपल है। नंबर वन, स्पॉटलाइट पढ़ते हो ना, तो स्पॉटलाइट में जो डिवीजन है वही डिवीजन फॉलो करना है। एनीथिंग रिलेटेड टू नेशनल हैपनिंग विल बी कवर्ड। एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी और फाइनेंस विल बी कवर्ड। एनीथिंग रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर, बिकॉज ये ईएसआई का पार्ट हो जाएगा, विल बी कवर्ड। आपका क्या कवर हो गया? पूरा ईएसआई कवर हो गया यहाँ से, ईएसआई कवर हो गया यहाँ से, फाइनेंस यहाँ से कवर हो गया आपका। इसके साथ साथ यू कैन कवर दी फ्रंट पेज। यू डोंट हैव टू मग अप दी एंटायर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है, अगर आप 2 न्यूज़पेपर उठा लोगे तो आपका पूरा दिन भी जा सकता है,
एंड इवन देन आफ्टर द स्पेंडिंग द एंटायर डे यू माइट फील कि यार नॉलेज अभी भी कम लग रही है. दैट इज हाउ द न्यूज़पेपर इज, उसकी तासीर है वो, दैट इज हाउ इट इज मेड. उसकी जितना भी पढ़ोगे लगेगा कि आई वॉन्ट टू हैव मोर नॉलेज, आई वॉन्ट टू गेन मोर, आई वॉन्ट टू रीड मोर, आई स्टिल डोंट नो इनफ. ठीक है ना, इस तरह से बनाया जाता है वो. बट यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग. अगर आप 10 न्यूज कवर कर रहे हो, इवन इफ यू आर मिसिंग वन और टू न्यूज इन द न्यूज पेपर, इट्स कंप्लीटली ओके. वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी बींग कवर्ड इन PIB एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स. वहाँ पे कवर हो रहा है ना मेजोरिटी चीजें, तो आपका जो भी स्किप होगा वहाँ पे ऐड हो जाएगा. योर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टाइम यू स्पेंडिंग ऑन न्यूज पेपर एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट दैट यू गेटिंग आउट ऑफ इट. ओके, तो नेशनल इकोनॉमी सोशल वेलफेयर फ्रंट पेज, ये तो आपको करना ही है. अ लॉट ऑफ पीपल से ओपिनियन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए. बट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद द ओपिनियन पेज. यहाँ पर लोगों के ओपिनियन होते हैं, जर्नलिस्ट के ओपिनियन होते हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन होते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट द ओपिनियंस आर मिक्स्ड. या तो आप पहले फिल्टर करो कि यार मुझे ये पता है दिस ओपिनियन इज बाय एन एक्सपर्ट एंड नॉट बाय अ जर्नलिस्ट, सो आई कैन रिलाय ऑन इट, आई शुड बी रीडिंग इट. दिस ओपिनियन इज बाय एन एक्सपर्ट एंड नॉट जस्ट बाय अ फेमस पर्सनैलिटी एंड देयर फोर आई कैन रिलाय ऑन इट. दिस ओपिनियन इज बाय अ फेमस पर्सनैलिटी हु माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट, आई कैन नॉट रिलाय ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल, आज के न्यूज पेपर में क्या आया कि जुडिशियल कोलिजियम, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर अबाउट इट. जुडिशियरी का जो कोलिजियम होता है, विच इज मेंट फॉर अपॉइंटिंग पीपल, देर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट कि वो इज इट अफेक्टिव इनफ और नॉट. सो नाउ वॉट हैज हैपन, द CJI हैज कम आउट विद अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग वाई जुडिशियल कोलिजियम शुड नॉट बी क्वेश्चन, और उन्होंने स्पेसिफिक रीजन्स दिए हैं. इट इज कंप्लीटली क्रेडिबल, नॉट बिकॉज ही इज फ्रॉम द जुडिशियरी, बट बिकॉज ही इज द CJI. He is an expert. He can be taken as an expert in that field and not just a popular personality. Kal ko wohi cheez, if the law minister comes out with an article and says something contradictory, that cannot be used. Why? Because he is not an expert. He is a part of the executive. He is not a part of the judiciary, or he is not an expert also. Theek hai na? Kal ko, tomorrow, if some academician who is an expert in the field of constitution, who is an expert in the field of policy making in India and independence of judiciary in India, usme kisi ki expertise hai, he comes out with an opinion, that will have some standing. So ye cheez aapko samajhni zaruri hai, only then the opinion is helpful. Now you might be feeling, sir ye to bahut confused kar diya aapne, bada mushkil hai, how do I know who is an expert and who's a journalist and who's a popular personality? That is why you cannot take opinions very seriously. आप ये नहीं बोल सकते कि ओपिनियन में जो लिख दिया वो सही ही है. You have to verify it again. So you will have to spend some time on the second one that I gave you. Second topic मैंने दिया था ना कि आप रिसर्च करो, खुद फिगर आउट करो क्या क्या इसके पॉइंट्स फॉर हैं, क्या क्या अगेंस्ट हैं. वो आप नहीं करोगे तो ओपिनियन में कन्फ्यूज हो जाओगे. So opinions are good. You can read it in the evening when you are free, when you have some time. But if you are running against time, if you are a working aspirant, आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, आपको नहीं पता कैसे करना है, आपको हर एक पॉइंट पे यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, जो भी कुछ कर रहे हो हर एक पॉइंट पे, whenever you are studying, you have to ask yourself one question again and again and again. जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है. What do I mean when I say cost benefit analysis? Cost is in terms of time. मैंने कितना time इसमें spend किया. Benefit मतलब output. How relevant is it directly from my examination point of view? ये होता है cost benefit analysis. Time to output ratio. Mathematical terms में convert कर रहे हैं so that it is easier for you to understand. जो भी पढ़ रहे हो उसमें देखना है आपको कितना टाइम मैं लगा रहा हूँ और कितना आउटपुट निकलेगा. When you are reading the syllabus, when you are covering the syllabus, the time output ratio is very high. मतलब टाइम थोड़ा सा लगाओगे आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलेगा. ओके, when you are covering current affairs from spotlight, from PIB or from finance current affairs, your time to output ratio is very good.
थोड़ा सा टाइम लगाया, आउटपुट बहुत ज्यादा निकला. ओके, व्हेन यू आर कवरिंग द न्यूज़पेपर एनपी, द टाइम टू आउटपुट रेशियो इज वेरी लो. टाइम कितना भी लगा लो, आउटपुट कम ही होना है. सो यू कवर इट व्हेन यू डन विद एवरीथिंग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इसके अलावा और कुछ तो होता नहीं है. व्हेन यू आर डूइंग राइटिंग, ये मैं एंड में बोल देता हूँ, देन द टाइम टू आउटपुट रेशियो सीम्स टू बी लो बट इट इज एक्चुअली वेरी हाई. आपको लगता है कि बहुत कम है टाइम टू आउटपुट रेशियो, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, बेनिफिट इसका कुछ लग नहीं रहा एकदम से, बिकॉज इंस्टेंट बेनिफिट नहीं निकलता है, लेकिन रेगुलरली करोगे 2 महीने तक, देन यू विल सी द डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज गोइंग टू बी ह्यूज. इसलिए यूपीएससी वालों का सिलेक्शन हो जाता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में. यूपीएससी जो एस्पिरेंट नहीं है उसको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद दिस पार्ट. यूपीएससी एस्पिरेंट इज कंसिस्टेंट विद दिस पार्ट. वो ये रोज करता है या वीक में एक बार प्रॉपर लेता है. रोज तो मैं आई वुड नॉट रिकमेंड. आई वुड रिकमेंड कि वीक में एक बार, वंस इन अ वीक, एक प्रॉपर टेस्ट लो, पूरा टेस्ट लो, कंप्लीट टेस्ट, दैट इज मोर देन एनफ, दैट विल डू द जॉब. ठीक है, चलिए. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन. आई वॉन्टेड टू जस्ट क्लैरिफाई एंड एक्सप्लेन टू यू कि न्यूज़पेपर किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी और माई टीम, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन ड्रॉप एन ई मेल हेयर, info@anujjindal.in. ठीक है, चलिए. ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय. आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद मोर वीडियोज ऑन योर एग्जाम प्रिपरेशन.